नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अर्गला स्तोत्र। इसका पाठ करने से माता दुर्गा प्रसन्न होती है, सदैव इसका पाठ करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं अर्गला स्तोत्र। अगर आप दुर्गा सप्तशती सीखना चाहते हैं, दुर्गा कवच कीलक संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के अध्याय पाठ विधि और संकल्प विधि, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप समस्त वीडियो देख सकते हैं। और आप और कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को दबाएं, क्योंकि इस YouTube चैनल में तमाम ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। हमारे सनातन धर्म से कर्मकांड स्तोत्र मंत्र पूजा पाठ इत्यादि आपको जानकारियाँ मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं अर्गला स्तोत्र। दाएं हाथ में जल लेकर के सबसे पहले विनियोग करें। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। विनियोग छोड़ दीजिए। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। जय त्वं देवी चामुण्डे जयभूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभविद्रावी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्णाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चण्डिके सततं ये त्वा मचयन्तीह भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमुच्चकैः।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्ना निगृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पगणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवे शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्यदर्पविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तजनोदाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशतीसङ्ख्या वरमाप्नोति सम्पदाम् ॐ इति अर्गलास्तोत्रं श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। तो आपने अर्गला स्तोत्र का पाठ श्रवण किया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी आप सीखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे की जितने भी संपूर्ण विधि है मैं आपको बतलाने वाला हूँ। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। जय माता दी, जय श्री राधे, हर हर महादेव।